नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग विवाद में बयान देने वाली नूपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अलकायदा ने तो पूरे भारत में आत्मघाती हमले करने की धमकी भी दे दी है। वैसे आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन नूपुर शर्मा के इस बयान के बाद सभी आतंकी संगठन बगलाए हुए हैं और इसकी कोई निंदा भी नहीं कर रहा है, ना ही भारत में रहने वाले वो लोग जो कहते हैं कि भारत किसी के बाप का थोड़े है। लेकिन जब कोई भारत में हमले करने उसे तोड़ने की बातें करता है तब ये उसे गलत नहीं ठहराते, और ना ही हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार जो हर मुद्दे पर गाल तो बचाते हैं लेकिन जैसे ही बात आती है आतंकी संगठनों की वो खामोश हो जाते हैं। सारी देशभक्ति इनकी खत्म हो जाती है, देशद्रोहियों के खिलाफ बोलने से डर और सहम जाते हैं। और बात हो अरब देशों की फिर तो इनकी घिघी ही बन जाती है। और हमारे देश का विपक्ष मोदी विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि देश विरोधी लोगों को भी सपोर्ट करने से नहीं कतरा रहा है। दरअसल कतर एयरलाइंस का जब विरोध चल रहा है, जिस तरीके से भारत को अरब देशों ने घेरने की कोशिश की है, उसके बाद आप देख सकते हैं तमाम ट्वीट्स भारत के विरोध में भारत का मजाक बनाते हुए किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भारत का ही मजाक बना रहे हैं जहां पर वो रहते हैं। लेकिन अगर कोई नेता बोलने की हिम्मत करता है तो ये बड़ी बात हो जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि उसमें अभी भी अपने देश के लिए देश प्रेम बचा हुआ है। सत्ता के लिए इतना नहीं बौखलाए हैं कि देश के विरोधियों को ही सपोर्ट करने लगे। जी हाँ, शिवसेना भले ही नूपुर शर्मा पर केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही हो, लेकिन उसकी प्रवक्ता ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देशों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं होता कि कुछ एक के शब्दों से वो कमतर हो जाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने इन देशों से अलकायदा जैसे इस्लामी आतंकी समूहों की धमकियों की भी उसी तरीके से निंदा करने को कहा है जैसे उन्होंने नूपुर शर्मा के संदर्भ में की थी। यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी ने सिर्फ हिम्मत दिखाई है बोलने की, बाकी तो भारत की बदनामी में मोदी की बदनामी ढूंढ रहे हैं और खुश हो रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी से बाकी नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने अरब देशों पर निशाना साधते हुए उनसे अलकायदा के धमकी की भी निंदा करने को कहा है। दरअसल इन देशों ने हाल में ही पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी के तुरंत बाद आया है। संगठन ने पैगंबर का अपमान का बदला लेने का वादा किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बारे में ट्वीट किया है और लिखा है कि अलकायदा जैसे इस्लामी आतंकी समूहों की धमकियों की भी इन मध्य पूर्व के देशों को निंदा करनी चाहिए। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना एक बात है, इसके आधार पर धमकियां देना दूसरी बात है। कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कुछ एक के शब्दों उनकी भावनाओं को कम कर सके। बहरहाल उम्मीद यही है कि इसके बाद बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार भी इन आतंकियों की धमकी की निंदा करेंगे और वो नेता भी जो नूपुर शर्मा पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।